पिछले 5 साल से सदन के सदस्य देखते हुए हो गया कि पता नहीं कितने स्कैम आते हैं, कहते जी SIT मुकर्रर कर दी है, इंक्वायरी कर दी है। इस सदन के अंदर भी किसी भी, अब मैं घोटालों का जिक्र तो नहीं करूंगा, पर फिर कहते हैं जी कि हम क्यों कहते हैं कि ये घोटालों की सरकार है। आप किसी घोटाले का कोई भी SIT विचार भी बनवाते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट कभी हाउस में नहीं आती है, औरों की माइंस की आती है उसकी नहीं आती है, किसी की रिपोर्ट हाउस में पे क्यों नहीं इन्फॉर्म करो? क्यों सरकार का फर्ज? एक मिनट भाई साहब, कोई बात फाइलें कौन कर रहा है? द मैटर एक मिनट, सीधे नहीं बत्रा जी, प्लीज सीधे नहीं। चलो ठीक, सीधे नहीं, आप मेरे थ्रू बात करिए। चलो बीच साहब को आज लगता है उठने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, और कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि DGP की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 100 करोड़ का घोटाला है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। सबसे पहले एक और बात है कि आप टोटल इसकी प्रोग्रेस बताइए, और साथ में हाउ दिस मनी, अभय जी ठीक कह रहे थे कि रिकवरी कैसे होगी उस बात के लिए। आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च करेंगे, पैसे गए, कोई कनाडा पैसे गए, कोई कहीं खा गया, किसी के रिश्तेदार के आए, कोई फ्लैट खरीद के जीरकपुर में गया, किसी ने जमीनें खरीद दी, हाउ द मनी विल कम बैक? सरकार को तो चुना लग गया, अब इस बात के लिए अपने आप को जस्टिफाई करें। एंड वाई, और एक सवाल का और जवाब है कि वाई ऑडिट हैज नॉट बीन इनिशिएटेड? इतने बड़े डिपार्टमेंट का आज तक ऑडिट क्यों नहीं कराया गया? और फिर आज के हम 1995 से कराएंगे, फिर इसका करोगे जिस ना जाना बनाया था उस दिन से करवा लो, तो कोई बात, कोई किसी बात का कोई जवाब भी तो, हर एक बात में इसी को, जो गलती हुई है सरकार वो गलती माने, बात तो इस बात के लिए, तो क्यों नहीं कराई? इन सवालों का जवाब देना चाहिए। धन्यवाद श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, सच्चाई ये है, ये बहुत ही मेजर स्कैम है, और ये तो बिल्कुल जैसे डाका डाला जाता है ना, इट्स आई वुड से इट्स लाइक अ हीस्ट ऑन द एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट, हाइस्ट ऑन द एक्सचेकर ऑफ द गवर्नमेंट। आप मुझे